तो फ्रेंड्स, इसकी मैं थोड़ी सी आप लोग सबको क्लिप दिखा रही हूँ। इनकी ये फर्स्ट वीडियो है, इसक मुंडा जी का चैनल है, फर्स्ट वीडियो है। और देखिए वीडियो में कितनी रियलिटी है, मतलब बिल्कुल एडिट नहीं किया है, और जो रियल है वो बिल्कुल दिखाने की इन्होंने कोशिश की है, और बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, एकदम जो रियल में हम बेसिक लोग खाना खाते हैं बैठ के, उस टाइप से बनाए हैं। आज मैं आप सबके लिए कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, बस थोड़ा सा आप सबसे बातें करने आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो से जाना मत, थोड़ी देर मेरी बातें सुन लेना। और एक मैं ऐसे तो मैं यूट्यूब पे दिन भर वीडियो देखती रहती हूँ, सबकी वीडियो देखती हूँ जो जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक उड़ीसा का है एक बंदा, इशक मुरविडा करके ऐसे कुछ नाम है, नाम प्रॉपर मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा मतलब इस टाइप से नाम है कि मुझे याद नहीं है, उसके लिए सॉरी। आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत वीडियो आजकल वायरल हो रही है उनकी। और आई थिंक 5 या 6 महीने पहले उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मोस्टली लॉकडाउन के कारण, जो कि वो काम करते थे और उनका काम बीमारी की वजह से, जो लॉकडाउन चल रहे हैं उसकी वजह से उनका छूट गया था। मतलब ये बातें तो लगभग सबको पता है, मुझे उसमें खास क्या लगी कि फ्रेंड्स ये देखो, एक छोटा सा शहर का इंसान, छोटा सा आदमी, मतलब इतनी बड़ी कामयाबी पे जा सकता है बस 6 महीने में। हम अगर कितनी भी मेहनत करें तो इतनी जल्दी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है ना, मेहनत और लगन और दिल में सच्चाई हो, जो मन का शान भी बहुत आगे तक लेके जाते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मुझे उनकी, मतलब ऐसा है, मैं एक आपको अभी बीच में वीडियो क्लिप भी दिखाई हूँ स्टार्टिंग में, वो सीधे से मतलब एक उड़ीसा साइड का अलग ही लैंग्वेज होता है, हमारे यहाँ का मोस्टली अलग लैंग्वेज होता है, तो अगर वो लोग उड़ीसा की साइड के लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो हिंदी में उन्होंने बहुत कोशिश की है बोलने की, और काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, बल्कि जो रियल चीज़ है ना, जो वो खाते हैं, रहते हैं, मतलब उड़ीसा के लोग कैसे रहते हैं, मतलब वो अपने रियल लाइफ को नो बिल्कुल भी कटिंग छटिंग, मतलब एडिट जो बोलते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं किया, एकदम रियल चीज़ वो दिखाते हैं अपनी वीडियो पे, और लोग उनकी वीडियो बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे भी पता नहीं था, और मुझे भी एक दो दिन पहले ही इनके वीडियो के बारे में पता चला, और मैंने इनकी काफ़ी वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग ऐसे लोग का सपोर्ट कर रहे हो जो काफ़ी मतलब रियल चीज़ दिखाते हैं और रियल चीज़ बोलते हैं, ढंग से बोल नहीं पा रहे हिंदी, क्योंकि मोस्टली है हमें, जैसे हम हिंदी इतने अच्छे से बोल रहे हैं और हमें कोई उड़िया बोलने को बोले या कोई अलग लैंग्वेज को बोले तो हम भी नहीं बोल पाएंगे, मेरी भी इंग्लिश थोड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो फ्रेंड्स मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपको उनकी वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी और क्या अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगी। सबसे बड़ी चीज़ उनकी वीडियो देख के मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। अक्सर क्या होता है, नए यूट्यूबर क्या करते हैं कि नए यूट्यूबर छोड़ो, मेरी खुद की बात ले लो, मैं भी कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, सोचती हूँ छोड़ो यार, बस करो, बस बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता, मतलब जो सब्र और पेशेंस नाम की चीज़ है ना, वो जल्दी से ही टूटने लगती है। तो फ्रेंड्स मैं इनकी वीडियो देख के आज बहुत 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 इंस्पायर हुई हूँ इनसे, तो आई होप आप सब भी इनकी वीडियो देखिए और इंस्पायर हुई, और कभी भी यूट्यूब से अपना रिश्ता नाता मत तोड़िए, इस पर लगे रहिए, मेहनत और लगन रखिएगा, और दिल में पेशेंस रहेगी तो कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी, और हमें भी एक दिन ज़रूर मिलेगी। हालांकि मैं भी बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, बिल्कुल बहुत बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, एक्चुअली मेरा एक और चैनल है तो ममता माइक्रोम आर्ट से है, जो कि आप लोग देख सकते हो जाके, मैंने इस चैनल में ऑप्शन दिया है उसका, उस चैनल का लिंक। आई होप फ्रेंड्स आप सब भी मुझे सपोर्ट करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप सबका आशीर्वाद और प्यार जिसके साथ भी रहेगा ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, आप लोग अगर चाहे तो उसको हीरो से ज़ीरो कर सकते हैं और ज़ीरो से हीरो कर सकते हैं। तो मुझे बहुत हीरो नहीं बनना, बट फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ी सी मेरी भी सपोर्ट करो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू,
तो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उनकी वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी और आप उनकी वीडियो से कितना मोटिवेशन होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।